मैं शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त कोरोना वायरस वबा की शक्ल में पूरे मुल्क में तेजी के साथ फैल चुका है और ये जानलेवा वायरस लातादाद इंसानों को मुसलसल अपनी लपेट में ले रहा है। यह ऐसा कयामत खेज मंजर है जो हमने और आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हजारों खानदानों ने अपनों को खो दिया जो इस वायरस का शिकार हुए। इस दुनिया से रुखसत होने वाले लातादाद लोग गुस्ल, कफन और अपने करीबी अजीजों के कांधे से भी महरूम रह गए। डॉक्टर्स और माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी वेव का खतरा भी बाकी है और इस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हम जितना एहतियात करेंगे इतना ही हम इस जानलेवा वायरस से अपने आप को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। 13 या 14 मई को ईद उल फितर है। हालात की नजाकत को देखते हुए मेरी अपील है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घरों पर ही पढ़ी जाए तो बेहतर है। इस वबा से बचने के लिए मखसूस हालात में घरों पर नमाज पढ़ने की शरण गुंजाइश मौजूद है। आजकल कोरोना बीमारी की दूसरी लहर चल रही है और रोज ही बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। भारत में रोज 4 लाख के करीब नए मामले सामने आते हैं और हजारों लोगों की मौत वाकई हो रही है। हालांकि मौत का वक्त तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करने की जरूरत है और हालात के मुताबिक बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। डॉक्टर्स का कहना है और माहिरीन का कहना है कि ये लहर अभी और तेजी अख्तियार करेगी और इसमें और भी ज्यादा तबाही आ सकती है। इसी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि इन हालात में बहुत ज्यादा एहतियात करें और बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। क्योंकि रमजान शरीफ में हम सब लोगों ने इबादत की लेकिन घरों में रहकर इबादत की, और पिछले साल आपको याद होगा कि लॉकडाउन था और ईद की नमाज भी सबने घरों में ही अदा की थी। लिहाजा मैं अपील करता हूं कि इन हालात में क्योंकि उजर मौजूद है और बीमारी का डर मौजूद है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, लिहाजा मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि ईद वाले दिन भी मस्जिदों की तरफ ना आए बल्कि घरों में ही इबादत करें। हमारी शरीयत में इसकी इजाजत मौजूद है। जो लोग मस्जिद में ईद की नमाज अदा न कर सकें वो ईद के दिन सुबह के वक्त 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें, फिर तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और अल्लाह ताला से दुआ करें, सदका फितर अदा करें और ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें। खासकर जो लोग कोरोना बीमारी में मुब्तला हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, दिल खोलकर ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करने की जरूरत है। इस्लामी शरीयत में हर चीज की इजाजत है, लिहाजा मैं फिर यही अपील करूंगा कि एहतियात से काम लें, इस बीमारी के लिए कोई भी खतरा मोल न लें और घरों में ही रहकर इबादत करें। कि लॉकडाउन था और ईद की नमाज भी सबने घरों में ही अदा की थी, लिहाजा मैं अपील करता हूं कि इन हालात में चूंकि उजर मौजूद है और बीमारी का डर मौजूद है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, लिहाजा मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि ईद वाले दिन भी मस्जिदों की तरफ ना आए बल्कि घरों में ही इबादत करें। हमारी शरीयत में इसकी इजाजत मौजूद है। जो लोग मस्जिद में ईद की नमाज अदा न कर सकें वो ईद के दिन सुबह के वक्त 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें, फिर तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और अल्लाह ताला से दुआ करें, सदका फितर अदा करें और ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें। खासकर जो लोग कोरोना बीमारी में मुब्तला हैं, गरीब हैं, परेशान हैं,
दिल खोलकर ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करने की जरूरत है। इस्लामी शरीयत में हर चीज की इजाजत है, लिहाजा मैं फिर यही अपील करूंगा कि एहतियात से काम लें, इस बीमारी के लिए कोई भी खतरा मोल न लें और घरों में ही रहकर इबादत करें।